रहा, शुक्र है कि इस वाले पे कुछ नहीं आया। ये खर्चा था ये वाला जो ये आपको देख के दोनों के दोनों अभी सही है और कंडीशन इस वाले की भी सही है यार। जो बोल्ट है ना वो भी गिर गए थे, यहाँ का गिर गया था। अधिकतर लोगों के स्केट के ये वाले बोल्ट गिर जाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम और मैं स्केटर। सो गाइस, आप लोगों ने अगर पिछली वाली वीडियो देखी थी आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि मैं गया था स्केटिंग करने के लिए और रास्ते में मेरे को चोट लग गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा। आज मैं कोई स्केटिंग वगैरह का नहीं करने वाला, पे स्केटिंग शूज में क्रोच वगैरह आए थे और मैं अपनी चोट वगैरह दिखाने वाला हूँ कि अभी उसका कैसी है और कैसा नहीं। अब मैं दो दिनों से स्केटिंग करने नहीं गया हूँ जब से मैंने मेरे को चोट लगी थी और आप लोगों ने देखा। सो गाइस, अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही यूनिक जानकारी देने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। मैं स्केटिंग करते समय जब गिरा था तो मेरा बहुत ही कंडीशन ख़राब हो गया था और अभी भी मेरे को स्केटिंग करते नहीं बनना है, वरना मैं स्केटिंग पे करने ज़रूर जाता और मेरा लेग ही नहीं उतना ज़्यादा फोल्ड करते बन रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा, तो ये रहे मेरे स्केट और ये रही हमारी पैर की चोट जो आप लोगों ने देखी थी, जो मेरे को उस दिन लगी थी, काफ़ी ज़्यादा लगी थी। फिलहाल अभी के लिए ये ठीक है और ये जितना भी ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ये सारा का सारा पहले रेड सा था। मैं स्केटिंग के लिए करने के लिए जा तो सकता था लेकिन जब मैं अपना लेग को ऐसे करता हूँ, यू नो लेग मेरा ऐसे है, ठीक है ये, और फिर अगर ऐसे करता हूँ ना तो बहुत दर्द होता है। मतलब ऐसे ही नॉर्मली कर रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और जब मैं स्केटिंग करते समय लेग को फोल्ड करूँगा तो और भी ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फास्ट ही पैर को रिमूव करना पड़ता है, यू नो आगे और पीछे करना पड़ता है, रिमूव नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए करके मैं स्केटिंग करने के लिए नहीं गया और अभी के लिए मतलब लेग दर्द भी कर रहा है और आई थिंक ये 5-6 दिनों में ठीक हो जाए, जितनी जल्दी मैं उतनी जल्दी स्केटिंग करने जा सकता हूँ। और वैसे भी मैं सही से पहले से स्केटिंग नहीं कर रहा था और अब ये चोट लग गई तो इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिलहाल ये जल्दी से ठीक हो जाए। बस अभी के लिए मैं अपनी स्केट भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अपने स्केट की कंडीशन क्या है। MF 900 जो कि मैं उस दिन स्केटिंग राइड पे लेके गया था वो काफ़ी घिस गए थे और साइड में स्क्रैच वगैरह स्केट पे भी आ गए थे और मेरे बॉडी पे तो ऑलरेडी आ ही गए थे स्क्रैच वगैरह। तो मैं उन लोगों उसका भी व्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ताकि अगर गिरते हैं तो स्केटिंग पे क्या हाल होता है। गाइस, ये रहे अपने MF 900 स्केटिंग शूज जो कि अभी इनकी कंडीशन ऐसी है और इनको मैं काफ़ी समय से यूज कर रहा हूँ। इनसे मैं अयोध्या की यात्रा भी कर चुका हूँ, 300 किलोमीटर राइड। और गाइस अभी आप लोग इनको देख सकते हैं और किसके साइड में गिरा था, आई थिंक उस दिन ये खरोचा था ये वाला जो ये आपको दिख रहा है ना भाई, इसमें ज़्यादा खरोच वगैरह आई थी। और ये यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ही खरोचा है और ये आगे के जो व्हील्स हैं ना ये भी काफ़ी घिसने लगे हैं और अभी जो इसकी कंडीशन है ना थोड़ी ठीक ठाक है। इनके व्हील्स इधर से उधर करने वाले हैं जो कि सही हो जाएंगे बहुत ही जल्द, मैं कर दूंगा। अभी थोड़ा टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा है और आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो इसके जो बोल्ट है ना वो भी गिर गए थे, यहाँ का गिर गया था। अधिकतर लोगों के स्केट के ये वाले बोल्ट गिर जाते हैं, वैसे एक ही गिरता है और मेरा भी ये एक ही गिरा है और आई होप इसको मैं सही करवा लूँगा क्योंकि इसमें ना कुछ साइकिल वगैरह की हुक्स वगैरह लगा के ये वाला सही हो जाता है। इस वाले स्केट के दोनों के दोनों अभी सही हैं और कंडीशन इस वाले की भी सही है यार। देखो अभी मैंने इतनी इनकी केयर की है कि अभी यहाँ के स्टिकर भी नहीं उधले हैं और समथिंग यहाँ इसको हमें 8-9 महीने यूज करते हो गया है MF 900 स्केटिंग शूज और अच्छी है, स्केट हैं यार। और मेरे जो लेग है ना भाई, ये मेरे लेग का जो नाखून है ना भाई, कभी कभी ये दर्द करने लगता है स्केटिंग करते समय। फिलहाल अभी के लिए तो यही ठीक है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रेच आ गए हैं। आप लोगों को अंदर से दिखा दूँ तो अंदर मैंने इनको एक ही बार अभी सिर्फ मैंने क्लीन किया है इसको। ये भी नीचे से काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो रखे हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी बहुत अंदर मिट्टी भी है जिनको मैंने क्लीन नहीं किया है। और ये अंदर ना तो कपड़े से साफ़ करते हुए बनता है ना तो ब्रश से, इसको ब्रश से हाँ साफ़ कर सकते हैं बट कपड़े से साफ़ नहीं करते बनता है। जो इसके अंदर के ये जो बोल्ट आप लोग देख रहे हो ना ये वाले अंदर के, ये आप सिर्फ ब्रश से साफ़ कर सकते हो या फिर खोल के साफ़ कर सकते हो, ऐसे कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते हो। और सेम इसका भी यही हाल है, ये देखो अंदर से इस वाले में काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई है बट यू नो हम साफ़ कर देंगे बहुत जल्द ही इसको भी। और गैस बस अगर दर्द होता ना, बहुत दर्द होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पेन करता है यार। और ये जल्दी से ठीक हो जाए फिर अपन लोग निकलते हैं नई स्केटिंग राइड पे क्योंकि अगर ऐसे हम लोग करते रहेंगे ना तो अपना जो भी मैंने स्केटिंग ना करो तो फिर धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। तो ये अधिकतर अपने अंदर को एक अलग यार थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, जब स्केटिंग करते रहो तो उतना स्टेमिना बना रहता है, धीरे धीरे स्केटिंग ना करो फिर वो छूटने लगती है यार। बस हमेशा स्केटिंग करते समय राइट वाला लेग पे अधिकतर ज़्यादा फोर्स पड़ता है तो राइट वाला लेग का ज़्यादा पैर घिस जाता है, यू नो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से करके। और
ये जो इसका स्क्रेच है ना, ये भी मेरे गिरने से आया है। और आप लोगों ने देखा मेरे स्केट की कंडीशन क्या है और मेरे पैर की कंडीशन क्या है। आई मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मैं प्रॉपर पैर में दवाई वगैरह लगाता रहूँगा। जब जितनी जल्दी ठीक हो जाएगा मैं उतनी जल्दी स्केटिंग करने जाने लगूँगा, क्योंकि इतनी स्केटिंग करते समय अपने आप को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है मैं स्केटिंग कर रहा हूँ तो सुकून मिलता है स्केटिंग करते समय। सीरियसली ब्रो, जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जाके गाइस, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और मैं अभी आया नहा के, इसीलिए मेरे बाल थोड़े भीगे भीगे उड़ से रहे हैं और इस पे ना बार बार मक्खी बैठती है, और मैं इस पे कपड़ा वगैरह बांध के रख भी नहीं सकता क्योंकि फिर ज़्यादा ही अंदर ही अंदर ख़राब होने लगेगा, मतलब अच्छा नहीं रहेगा कपड़ा बांधना। आई थिंक पट्टी वगैरह लगाना, तो इसलिए मैंने कुछ इससे पट्टी वगैरह नहीं बांधी थी, ऐसे ही खुला इसको खुला ही रख रहा हूँ और डेली इस पे ट्यूब वगैरह लगा लेता हूँ। और अभी यहाँ पे जहाँ पे ब्लड होता है ना वहाँ पे ऑटोमेटिक मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं। मैं स्केटिंग पहनने के लिए बेताब हूँ बट मैं दर्द में, जब मैंने उस दिन स्केटिंग कर रहा था ना भाई, और अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो देखो जाके कि मैं किस तरीके से गिरा था भाई। अचानक से मैं गिरा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं किस तरीके से गिरा, अचानक से मेरा पैर लड़खड़ा गया था यार। हमें पता है इस वीडियो में आप लोगों को देख के कोई भी जानकारी नहीं मिली, बस मैंने अपने बारे में बताया और थोड़ा सा स्केट के बारे में बताया कि मैं किस तरीके से गिरा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो पिछली वाली वीडियो देखो जाके, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं किस तरीके से गिरा था और मैं किस राइड पे गिरा था। वैसे जो मैंने वो राइड की थी, जो मैंने 12-13 किलोमीटर की थी, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी। सो बस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए नहीं, ये पैर मेरा जल्दी से ठीक हो जाए फिर। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों में शेयर कर देना यार। नेक्स्ट को एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस।